प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर राज्य झारखंड में न केवल कई सारे नदियां, झरने, पेड़ पौधे मौजूद है, इसके अलावा झारखंड में कई सारी चीजें हैं जो झारखंड की खूबसूरती को और निखारती है। तो चलिए इसी उत्सुकता में जानेंगे झारखंड के प्रमुख हिल स्टेशन के बारे में, जो झारखंड की खूबसूरती को बढ़ाने में भरपूर योगदान करती है। लुगुबुरू हिल स्टेशन, यह बोकारो शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर चारों ओर घने जंगलों के बीच लालपनिया नामक स्थान पर स्थित है। लुगुबुरू हिल झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में से एक है। इस हिल्स में कई सारी गुफाएं और कई सारे छोटे छोटे जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इनमें से सितनाला जलप्रपात यहाँ के लोकप्रिय जलप्रपातों में से एक है। लुगुबुरू हिल संताल समुदाय द्वारा काफी पुराने समय से एक धरोहर के रूप में माना जाता है, लिहाजा जनवरी के महीने में यहाँ एक विशाल धार्मिक सम्मेलन का आयोजन होता है। यदि आप यहाँ की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं तो यहाँ आने का सबसे अच्छा समय जनवरी महीना होता है। किरीबुरू हिल स्टेशन, यह झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले में स्थित सरंडा के घने जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है। सरंडा के घने जंगल पूरे झारखंड में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको चारों ओर साल और सकुआ के लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलते हैं। किरीबुरू हिल स्टेशन ट्रैकिंग करने वालों के लिए सबसे अच्छे और मनोरंजन साबित हो सकती है, क्योंकि यहां आपको चारों ओर 100 से अधिक पहाड़ों के गुच्छे देखने को मिलते हैं। किरीबुरू हिल्स की ऊंची चोटी से आप सूर्यास्त और सूर्योदय का मनमोहक नजारों को कैद कर सकते हैं। साथ ही पुंडुल जलप्रपात, सपनेश्वर मंदिर, कंधार जलप्रपात, मेघदातु सनसेट पॉइंट के आकर्षक दृश्यों को निहार सकते हैं। आपको बता दें, जुलाई से दिसंबर का महीना यहाँ की यात्रा करने के लिए बेहतर है, क्योंकि इसके बाद पतझड़ की शुरुआत हो जाती है, जिससे जंगल थोड़े खाली सा लगने लगता है। डलमा हिल स्टेशन, झारखंड की हिल स्टेशनों में से काफी लोकप्रिय है डलमा हिल स्टेशन, जो पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। पूर्वी सिंहभूम जिले का 50% से अधिक भूभाग घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली और पहाड़ों से घिरा डलमा हिल पर्यटकों को अपनी ओर खूब आकर्षित करती है। यह हिल स्टेशन डलमा वन्य जीव अभयारण्य के क्षेत्र में आता है, लिहाजा यहाँ कई प्रकार के वन्य जीवों के आकर्षक नजारों को भी देखा जा सकता है। साथ ही मरांगबुरु जलप्रपात और डिमना लेक जैसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों का भी भ्रमण किया जा सकता है। आपको बता दें, यह क्षेत्र जमशेदपुर शहर से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहां आने का सबसे श्रेष्ठ समय नवंबर के महीने से लेकर मार्च के महीने तक होता है। इस समय पर्यटक यहां काफी संख्या में पिकनिक मनाने आते हैं। रांची हिल स्टेशन, वैसे तो रांची शहर को सिटी ऑफ वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ राजधानी रांची में कई ऐसी जगह है जहां आप हिल स्टेशन का आनंद उठा सकते हैं। हम कुछ इन जगहों को रांची हिल स्टेशन के तौर पर खास मानते हैं, जैसे हुंडरू जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, पहाड़ी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रॉक गार्डन, बिरसा मुंडा जूलॉजिकल पार्क, काके डैम आदि। रॉक गार्डन से काके डैम में सूर्यास्त का नजारा देखना सभी पर्यटकों को आकर्षित करती है, और पहाड़ी मंदिर और जगन्नाथ मंदिर दोनों ही अपनी चोटियों से पूरे रांची शहर को दर्शन करवाती है। देवघर हिल स्टेशन, झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में स्थित देवघर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। देवघर में कई ऐसे आकर्षक हिल स्टेशन है जहाँ पर्यटक हजारों की संख्या में प्रतिदिन आते हैं। झारखंड के पर्वतों से भरी नगरी में देवघर भी श्रेष्ठ स्थान पर आता है। यहाँ के त्रिकुट पर्वत सभी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने में कभी पीछे नहीं हटती है। इसका कारण त्रिकुट पर्वत पर सुंदर और आकर्षक रोपवे का निर्माण किया गया है, जिसके सहारे पर्यटक पूरे पर्वत के चारों ओर का खूबसूरत नजारों को आसानी से निहार सकते हैं, और यहाँ नंदन पहाड़ और हाथी पहाड़ जैसे आकर्षक स्थलों का भी आनंद उठा सकते हैं। साथ ही मयूराक्षी नदी के तट पर मधुर लहरों का आनंद भी लिया जा सकता है। आपको बता दें, बरसात के मौसम में यहाँ पर्यटकों की भीड़ उमड़ जाती है। गिरिडीह हिल स्टेशन, झारखंड के चुनिंदा हिल स्टेशनों में से एक है गिरिडीह हिल स्टेशन, जो गिरिडीह जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ हमें झारखंड के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ हिल्स को निहारने का मौका मिलता है। पारसनाथ पर्वत झारखंड के सबसे ऊंची पर्वत है, जो 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पारसनाथ पर्वत की ऊंची चोटी से आसपास काफी आकर्षक नजारा बनाती है, और इसकी चोटी से बादलों को छूकर महसूस भी किया जा सकता है। पारसनाथ हिल्स के अलावा यहां कलकल करती उरी जलप्रपात, जैन संग्रहालय, झारखंडी धाम, मधुबन तथा खंडोली पार्क जैसे खूबसूरत पर्यटक स्थलों का भी आनंद उठा सकते हैं। इस हिल स्टेशन में अधिकतम महुआ, पलाश, सकुआ और सिमून के पेड़ भरे मिलेंगे।
यहाँ आने का सबसे अनुकूल समय नवंबर से लेकर मार्च तक आकर यहाँ खूबसूरत नजारों के साथ धार्मिक स्थलों का भी भ्रमण किया जा सकता। नेतरहाट हिल स्टेशन। लातेहार जिले में स्थित नेतरहाट एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति ने बहुत ही सुंदर नजारों से सजाए हुए है। नेतरहाट हिल स्टेशन झारखंड के चुनिंदा हिल स्टेशनों में से एक है। इस जगह को झारखंड का सबसे ठंडा स्थल भी माना जाता है। यहाँ गर्मी के मौसम में भी तापमान 29 से 30 डिग्री शायद कम ही देखने को मिलते हैं। हर वर्ष लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ के मौसम और यहाँ से होने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त को निहारने आते हैं। लोग यहाँ सूर्योदय के लिए कोयल व्यू पॉइंट और सूर्यास्त के लिए मंगोलिया पॉइंट पर जाकर एक बेहतरीन नजारों का आनंद लेते हैं। अपर घाघरी जलप्रपात और लोअर घाघरी जलप्रपात यहाँ की खूबसूरत जलप्रपातों में से एक है। ठीक 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लॉज जलप्रपात का नजारा भी पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। वैसे तो नेतरहाट पूरे साल भर घूमने लायक जगह है, क्योंकि यहाँ का वातावरण साल भर ठंडा रहता है। यदि आप जलप्रपातों के आकर्षक नजारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए बारिश का मौसम सबसे अच्छा होगा।